जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है ITPP। जी हाँ, ITPP की तरफ से एक और न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आ रही है। इससे पहले आप लोग की ITPP कॉन्स्टेबल पाइनर की वैकेंसी थी और SI स्टाफ नर्स की आप लोग की वैकेंसी। इसके अलावा एक न्यू रिक्रूटमेंट और निकल के आ रही है ITPP की तरफ से, जो कि आप लोग की कॉन्स्टेबल की ही वैकेंसी है। कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी निकल के आ रही है। इससे पहले ये वैकेंसी आप लोग को 2018 में देखने को मिली थी, जिसका कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट करा लिया गया। ये वैकेंसी अब दोबारा आप लोग को देखने को मिल रही है ITPP कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली, वीडियो को आप लोग लास्ट तक और ध्यान से सुनिए। तो आप लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट है ITPP की तरफ से कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की, जो कि आप लोग ही ठीक है नेपाली भूटानी ये सब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसी, नॉन गेस्टियल टेम्प्रोरी लाइक कंटिन्यू, ठीक है। और पे स्केल वगैरह आप लोग की काफ़ी अच्छी है, लेवल 3 की है। 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी है। 7 CPC आप लोग की लगने वाली है। और यहाँ पे आप लोग को एलिजिबिलिटी, सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी की जानकारी ले लीजिए। जी हाँ, इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आप लोग की और मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की 52 वैकेंसी निकल के रही। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए जनरल EWS SC ST में वैकेंसी है। OBC की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, तो OBC वालों को जनरल में फाइट करना पड़ेगा। तो मेल की 44 वैकेंसी है, फीमेल की 8 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग की 52 वैकेंसी एनिमल ट्रांसपोर्ट ITPP कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि रिक्रूटमेंट ITPP.NIC.IN की वेबसाइट से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। ऑनलाइन अप्लाई इसके 29 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल बनाए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बनाऊँ आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन लग सके, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को बता रहा है वैकेंसी रिजर्व अंडर OBC कैटर हावर कैंडिडेट अप्लाई बट देयर कैंडिडेट वी कंसीडर अगेन जनरल। देखिए, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे किया गया है, वैकेंसी नहीं है OBC की, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को जनरल की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। कोई आप लोग को रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ें मैं आप लोग को पहले ही बता रहा हूँ। OBC से हैं आप लोग, अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन OBC का आप लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप लोग जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। जनरल की तरह ट्रीट होंगे, आप लोग की एज जो है 18 से 25 साल ही रहने वाली है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी दी जाए तो यहाँ पे एज आप लोग की 18 से 25 साल रहने वाली है जनरल की। यदि आप लोग OBC से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग की एज 18 से 25 ही रहेगी, आप लोगों को कोई रिलीफ यहाँ नहीं मिलेगा। SC ST से हैं तो 5 साल का बेनिफिट, यानी कि 18 से 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोग को कर दिया। तो कट ऑफ डेट की जानकारी यहाँ पे दी जाए तो लास्ट डेट यानी कि 27 सितंबर 2022 को ही आप लोग की एज काउंट होने वाली है। 27/9/2022 को आप लोग अपनी एज को काउंट कर लेंगे। और इसके अलावा बोर्न अर्लियर और आफ्टर, ठीक है, डिटेल दी गई है। इससे पहले आप लोग का बर्थ ना हो, इसके बीच में आप लोग का बर्थ होना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के मैंने आप लोग को बता दिया 27/9/2022 को आप लोग अपनी एज काउंट करेंगे। इसे आप लोग ऊपर लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखेंगे, माइनस करके आप लोग देख लेंगे आप लोग की एज कितनी आ रही है, 18 से 25 या फिर SC ST से तो 18 से 30 के बीच में ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप लोग के लिए यहाँ पे ये है कि आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी हाँ, ITPP में जाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आप लोग के लिए है और 29 अगस्त से ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होंगे। कोई टेंशन लेने की आप लोग की जरूरत नहीं है, ठीक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड की जानकारी भी इन्होंने दे दी है। एडमिट कार्ड की जानकारी आप लोग को जो है ITPP रिक्रूटमेंट ITPP.NIC से ही होगा। चलिए, पहले सबसे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होंगे उसकी जानकारी भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन ही अप्लाई होने वाले हैं और ITPP की वेबसाइट से ही आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे, बिल्कुल क्लियर। और जो पे अलाउंसेज वगैरह बताए गए हैं आप लोग को मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन डिटेल एडवर्टाइजमेंट, बाकी की डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग को जो है रिक्रूटमेंट ITPP.NIC की वेबसाइट से मिलेगी। जी हाँ, फुल नोटिफिकेशन नहीं है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन से आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोग को मिल रही है। फुल नोटिफिकेशन की जानकारी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी गई। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, आप लोग का जो है PET PST यहाँ पे होने ही वाला है। इसके अलावा आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न के अलावा आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और मेडिकल होने वाला है, यानी कि फिजिकल होगा, रिटर्न होगा और आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन मेडिकल होने वाला है, ठीक है। इसमें ट्रेड की जानकारी, ट्रेड के बारे में इन्होंने नहीं बताया है, तो यहाँ पे आप लोग का फिजिकल है, फिजिकल के साथ रिटर्न है, डॉक्यूमेंटेशन है और मेडिकल है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं।
इसके अलावा आप लोग को मेडिकल की जानकारी, ठीक है, ये बात की बात है। और इसमें आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 29 अगस्त 2022 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, 27/9/2022 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग को पूरी जानकारी मिल गई है, 452 आप लोग की टोटल वैकेंसी। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग की जो वैकेंसी 2018 में आई थी, जी हाँ, पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें इससे ज़्यादा चेंजेस, इसमें कोई आप लोग को चेंजेस नहीं किया गया होगा। तो आप लोग देखेंगे उस वक्त भी आप लोग की जो है मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए थे 2018 में। आप लोग देखेंगे क्लोजिंग डेट 13/8/2018 थी, और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकल के आई थी आप लोग की, ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे 85 वैकेंसी उस वक्त निकल के आ रही थी। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, कोई दिक्कत नहीं। इस बार वैकेंसियाँ थोड़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है एलिजिबिलिटी, देखिए वही चीज़ है आप लोग की, 18 से 25 साल एज है जनरल वालों की, ओबीसी 18 से 28 और एससी 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ तक अभी तक वही है, आप लोग को एज में जैसे छूट मिलती है आप लोग को मिलेगी गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी देखिए आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया, क्योंकि पीईटी पीएसटी आप लोग का होने वाला है, फिजिकल होने वाला है पहले आप लोग का। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आप लोग को देख सकते हैं, जनरल ओबीसी एससी से हैं तो मेल 170 फीमेल 157 और मेल चेस्ट 80-85 होनी चाहिए। इसी प्रकार से गढ़वाली कुमारी गोरखा डोगरा मराठा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम वगैरह से, तो मेल कैंडिडेट 165 और फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होगी। मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट है 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी कि 83 फुलाव के बाद होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे स्टैंडर्ड है। और यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो 162.5 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के चेंज 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाएगा। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूजन में रहते हैं और ये पूछते रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए यदि आप लोग अप्लाई करेंगे तो यही आप लोग का स्टैंडर्ड होने वाला है। चलिए, इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग होता है। मेडिकल की भी जानकारी आप लोग को दी गई है। मेडिकल के बाद आप लोग को जो है हाउ टू अप्लाई देगी, ऑनलाइन ही अप्लाई आप लोग का होने वाला है। फीस आप लोग की लगेगी, यदि आप लोग जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं 100 रुपये आप लोग की फीस लगेगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, पीईटी पीएसटी आप लोग का यहाँ पे होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले आप लोग का होगा। पीएसटी की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। पीईटी में आप लोग देखेंगे 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के बारे में पहले बताया गया, तो 1600 मीटर के आप लोग की रनिंग होगी, 7.5 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप होगी 11 फीट 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप होगी 3.5 फीट 3 चांस मिलेंगे। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर की रनिंग होगी, 4.45 मिनट आप लोग को मिलेंगे, और लॉन्ग जंप आप लोग की 9 फीट होगी 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 3 फीट 3 चांस आप लोग को मिलने वाला है। तो ये आप लोग का जो है पीईटी हो गया, रनिंग है 1600 मीटर मेल और 800 मीटर फीमेल, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लेंगे। लॉन्ग जंप हाई जंप आप लोग की यहाँ पे होने वाली है, पीएसटी पीईटी दोनों। इसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम आप लोग का होने वाला है। रिटर्न एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। इसके अलावा फिजिकल वगैरह जो भी होता है ये आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम पहले भी था, इस बार भी आप लोग का ओएमआर बेस एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, इसमें आप लोग की जीके आएगी, रीजनिंग आएगी और जीके आएगी, आप लोग की मैथ आएगी, और इसके अलावा आप लोग को जो है रीजनिंग आने वाली है और हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट, ठीक है, वही प्रोसेस है आप लोग का। 25-25 क्वेश्चन आने वाले, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के सभी पार्ट में से। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आप लोग के यहाँ पे हो जाएंगे। और जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोग जनरल एक्स सर्विसमैन से हैं तो आप लोग 35%, एससी ओबीसी से हैं तो 33% आप लोग के मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। इसमें आप लोग की जो ईडब्ल्यूएस इस बार जुड़ जाएगी। चलिए, मेरिट लिस्ट वगैरह आप लोग को बताया गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे, ये सब चीज़ें आप लोग की लगने वाली है। डीएमई आरएमई होगा आप लोग का, ठीक है, मेडिकल में कोई पॉइंट वगैरह मिलता है तो आप लोग को री मेडिकल यहाँ पे होता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस आप लोग का इस बार भी होने वाला है, इस बार आप लोग को कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोग को 2018 की वैकेंसी के अनुसार आप लोग को पीईटी पीएचटी रिटर्न एग्जाम की पूरी जानकारी दे दी है। और इस बार की जो वैकेंसी है थोड़ी कम है, बट वैकेंसी आप लोग की आ रही है, ये बिल्कुल कम है, 52 वैकेंसी है। किसी भी प्रकार की अभी भी कोई प्रॉब्लम आप लोग को आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जाने से पहले ये कहूँगा यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग के लिए लाता रहूँ। ओके भाई, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।